हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आज यानी कि 8 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी मैथ्स के क्वेश्चंस के। हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल गए हैं तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए बिकॉज क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा रिपीट करते हैं, तो अगर आपका एग्जाम आने वाले टाइम में तो बहुत ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा होगी बिकॉज क्वेश्चन वही रहते हैं, बस डाटा का फर्क होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, करें 5000 रुपये की राशि का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 का चक्रवृद्धि व्याज क्या होगा यदि व्याज अर्धवार्षिक हो। कह रहे 5000 रुपए की राशि है हमारे पास, दर दे रखा है आपको 12%। कह रहे 1.5 वर्ष का आप चक्रवृद्धि व्याज निकालो अगर ब्याज हमारा हाफ ईयरली हो तो। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ब्याज आपका अर्धवार्षिक होता है तो आपका जो होता है रेट वो आपका 12% है, तो आपका हाफ हो जाएगा बिकॉज ब्याज अर्धवार्षिक जोड़ रहा है, तो रेट हमारा 12/2 यानी कि 6% होगा। और टाइम क्या होता है हमारा, डबल हो जाता है, तो 1.5 वर्ष है तो ये हमारा 3 वर्ष हो जाएगा टाइम। अब आप यहाँ से इसका चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से निकाल सकते हो, 5000 रुपये की राशि है और 6% की दर है तो आप आसानी से इसे कर सकते हो। 5000 इंटू आपको 6 ईयर्स का करना है तो 6/100 इंटू 6/100 इंटू आप कर सकते हो 6/100। यहाँ से हमने कर दिया तो ये आपका थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा उसके बाद। तो हम चलते हैं दूसरे मेथड, इसमें देखेंगे 5000 रुपये की राशि करा है तो 5000 है, इसका 1/6% हम निकालेंगे तो 1/6% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5000 का आप 6% निकालोगे तो 300। 3 साल का है तो हम 3/6% निकालेंगे तो 300 का फिर से 6% निकाला तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा आपका 18। फिर आप 18 का 6% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो 1.08 होगा। अब आपसे बोल रखा है कि ये तो हमारा आ चुका है, अब 3 वर्ष का है, आपने 3 ईयर का निकाल लिया तो आपको एक रेशियो याद रखने है क्या, तो 3:3:1 तो 3 × हमारा हो जाएगा 300 प्लस हमारा हो जाएगा 3 × 18 प्लस 1.08, हमने इसे कर दिया 900 हो गया प्लस 54 हो गया प्लस हमारा हो गया 1.08। अब हम इसे टोटली ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 955.08 रुपये हमारा आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये तो थी हमारी इस तरीके से ट्रिक से। अब अगर आपसे 2 वर्ष का पूछता तो आप 2 वर्ष का ब्याज निकाल, 2 वर्ष का 6% निकालते और 2:1 लगा देते तो ये हमारा हो जाता 2×300 प्लस 18 तक ही रह जाता तो 618 हो जाता। अगर 4 वर्ष का पूछता तो आपका रेशियो हो जाता 4:6:4:1 और एक बार और आप 6% निकालते तो ये हमारा इस तरीके से बनाने का ट्रिक। अब इसे देख लेते हैं, अगर फॉर्मूले से हमें बनाना हो तो हम इसे फॉर्मूले से भी बना के देख लेंगे। आपको फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + RR/100 टू द पावर n माइनस प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल हमें दे रखा है 5000 रुपये की राशि है, रेट है आपका 6% तो 1 + 6/100 टू द पावर 3 माइनस 5000। अब यहाँ पे हम करेंगे तो 5000 इंटू 106/100 इंटू 106/100 इंटू 106/100 माइनस 5000। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन में कितना प्रॉब्लम होगी, आप 5000 को तो वैसे कॉमन ले लोगे बट हम इसे कट करेंगे अगर, तो हम इसे करेंगे तो ये हमारा 53 जाएगा और 50 जाएगा तो आपको 53 को 3 बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देखो ये जो हमारा मेथड हुआ ये हमारा लॉन्ग प्रोसेस हो गया, कैलकुलेशन ज़्यादा लिया और इस मेथड में हम आसानी से इसे बना देंगे। तो हम फॉर्मूले का नहीं यूज़ करके इस मेथड का इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज हमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट बारह कह रहा है, किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 150 है तो उसके भुजाओं की संख्या क्या होगी। कह रहा है कोई बहुभुज है हमारे पास जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण 150 है तो उसके भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो आपको फॉर्मूला क्या होता है, 2n-4 अगर प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना हो तो 2n-4×90/n बिकॉज आंतरिक कोणों का ये होता है 2n-4×19 और आपसे प्रत्येक बोल रहा तो n से डिवाइड कर दिए, बराबर हो जाएगा किसके, तो 150 का हो जाएगा बराबर। अब जो कट रहा है उसे काट लेंगे 0 से 0 3 times 5 times तो ये हमारा हो जाएगा 6n-12=5n तो n इक्वल टू आ गया 12 यानी कि कितनी भुजाएं हो जाएंगी, तो 12 भुजाएं हो जाएंगी। नेक्स्ट इसी तरीके से हमारा कर है, एक किताब का 3/11 भाग पढ़ लिया गया है, यदि 160 पेज और बाकी हैं तो कुल पेज कितने थे। कह रहे 3/11 पेज पढ़ लेते हैं फिर भी हमारे पास 160 पेज बाकी है तो कुल पेज कितने थे। तो 3/11 भाग पढ़ लिया यानी 8/11 भाग नहीं पढ़ा जो कि हमारा 160 के बराबर हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कुल पेज के बारे में यानी एक के बारे में, तो 160×11/8 हम ऐड कर लेंगे तो 220 पेज कुल थे जिसमें से हमने
160 पेज नहीं पढ़ा है, तो हमने पढ़ा कितने हैं, तो 60 पेज पढ़ा है। नेक्स्ट इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम एंड वर्क से कह रहा है ए बी और सी किसी काम को 13.5, 8 और 12 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। आपसे बात कर रहा है तीन लोगों की, एक कह रहा है 13.5 दिन, एक 8, एक 12। अब आपको पता है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, और सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे, तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे 216 आपका आएगा। अब आप इसे एलिगेट करोगे तो 216 से 13.5 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे ये कितने टाइम्स जाएगा, तो ये आपका जाएगा 16 टाइम्स, और ये जाएगा 27 टाइम्स, और ये हमारा जाएगा 18 टाइम्स। अब ये 216, 16, 27, 18, ये आपको पता है क्या है, तो 216 को हम मान लेते हैं कि हमें टोटल वर्क करने थे, एंड 16, 27, 18 हमारा इफिशेंसी आ चुका है। तो 216 यूनिट वर्क करने हैं हमें, और ए जो एक दिन में 16 यूनिट, बी 27 यूनिट, सी 18 यूनिट करता है, यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, तो 16 + 27 + 18 यानी 61 यूनिट करेंगे। अब टोटल करना है 216 यूनिट, तो कितना टाइम लगेगा, तो 216 डिवाइडेड बाई 61 डेज लगेंगे। तो ये थे इस क्वेश्चन के आंसर। अब आपको इसमें से जिस तरीके से आपको आंसर दिया होगा पॉइंट में, तो आप पॉइंट में चेंज कर लोगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया होगा तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर लोगे। नेक्स्ट है हमारा कि मीन दे रखा है 6, मीडियन 18, तो मोड क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मोड 2 मीन। तो इसी फॉर्मूले को लगा देंगे तो 3 × 18 माइनस 2 × 6 हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा हो गया 54 माइनस 12, तो 8 × 4 = 48 आ गया आपको। तो आपको इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान में रखना है, मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल मीन मीडियन मोड से, तो सॉरी इसे हम घटाएंगे तो ये हमारा 48 नहीं आपका 12 आएगा, 42 आएगा। तो यहाँ से आपकी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को, मोड इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन टोटल नहीं है, मैं इसे लिख देती हूँ। कह रहा है कॉस ए माइनस साइन इक्वल टू 0 है, आपको दे के रखा है क्या, तो कॉस ए माइनस साइन इक्वल टू 0 हमसे पूछ क्या रहा है, ये भी हम लिख लेते हैं। तो हमसे पूछ रहा था टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए, तो ये देखने में बहुत चेंज बहुत हार्ड लग रहा है। स्टूडेंट्स इसमें क्या करेंगे कि पहले सबको साइन या कॉस में चेंज करेंगे, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले दे रखा है कॉस ए माइनस साइन ए इक्वल टू 0, तो ये हमारा कब पॉसिबल है ये आप देख लो, तो कॉस ए माइनस साइन ए इक्वल टू 0, तो कॉस ए इक्वल टू साइन ए, तो कॉस ए और साइन ए किस वैल्यू पे बराबर होते हैं, तो जब इनका वैल्यू 1/√2 होता है, यानी ए की वैल्यू 45 डिग्री होती है, तो ये हमारा बराबर हो जाता है। तो अब इसी चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 45 प्लस हमारा आ जाएगा साइन 45। अब हम इसे टोटली करेंगे तो टेन स्क्वायर 45 हो गया 1, और ये हमारा हो गया कॉस स्क्वायर 45 यानी 1/√2 का स्क्वायर प्लस साइन 45 यानी 1/√2। अब यहाँ पे हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ गया 1/(1/2) प्लस 1/√2। अब आपको जिस तरीके से आंसर दिया होगा आप इसमें ये भी कर सकते हो कि 2√2 को एलसीएम ले सकते हो, तो हमने लिया तो ये हमारा आ जाएगा कितना, तो ये हमारा आ जाएगा √2 प्लस 2। अब ये हमारा 2√2 ऊपर चला गया तो हमारा आ गया 2 + √2, तो अब आपको इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे दो तीन तरीके से इसे बना सकते हैं, जो भी तरीका से आपको आंसर दिया होगा आपको इसे देखना पड़ेगा। दूसरा क्या आएगा हमारा आंसर कि हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है तो हमने लिया 2, तो ये हमारा हो गया 1 + √2 डिवाइड, और ये 1 ऊपर में है तो हमारा हो गया 2 / √2 + 1। अब हम इसे एलिगेट करेंगे तो √2 - 1 / √2 - 1 आएगा, बिकॉज रूट हमारा कभी भी नीचे नहीं होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 × √2 - 1 / 2 - 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 × √2 - 1 या फिर 2√2 - 2, कुछ भी आपके ऑप्शंस में होंगे वो हमारे आंसर हो जाएंगे। इसके बहुत सारे आपके आंसर्स आ रहे हैं इसी तरीके से, तो ये सारे आपको यहाँ पे हो सकता है कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करे, आपका आंसर बस यहीं पे आपको 2/√2 + 1 ही आंसर दे दे, या 2√2 - 2 दे दे, तो जो भी आपके ऑप्शन में होंगे उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो आपको इस फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉस ए माइनस साइन ए इक्वल टू 0 हो तो आपको उस पर क्वेश्चन दे देता है, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको देखना है कि ये हमारा 0 होता है कब। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई बहुभुज है, 8 भुजा वाला बहुभुज है, तो उसके आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, तो हमने ऊपर ही फॉर्मूला बताया, अगर n = 8 है तो हमने ऊपर ही फॉर्मूला बताया n × n - 4
यहाँ पे आपको ऊपर हमने बताया था, आप इसे अच्छे तरीके से देख सकते हो। हमने बताया 2n-4 × 90, आपको इसी फॉर्मूले को लगा देना है। तो ये हमारा, आपको इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे तो 2n-4 × 90 लगा देंगे तो ये हमारा योग बिकॉज पूछ रहा है, तो 2 × 8-4 × 90 हो जाएगा, तो 16-4 × 90, तो 12 × 90 आपका हो जाएगा, इंटू 90 कर लिया तो 12 × 90 यानी 1080 आ गया। अगर आपसे प्रत्येक आंतरिक कोण पूछे तो 1080 में आप 8 से इसे डिवाइड भी कर सकते हो, तो ये हमारे जितने टाइम्स जाएगा, एक बार में किया 1, 2 और 8 इस तरीके से, तो 8 × 3 = 24, फिर 4 और 0 = 135 आ जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 7 क्वेश्चन हमें मिले थे।